हिमाचल प्रदेश के बागवानी मंत्री जगत नेगी ने कहा कि सरकार लगातार बागवानी की समस्या को लेकर विचार विमर्श कर रही है। बागवानों के हितों को लेकर सरकार गंभीर प्रयास कर रही है और जल्द ही सरकार सेब खरीद को लेकर यूनिवर्सल कार्टन और वजन के हिसाब से सेब की बिक्री को लेकर निर्णय लेगी। वहीं एपीएमसी एक्ट जैसे बागवानों के हित के लिए निर्णय होंगे। उन्होंने बताया कि बागवानी की समस्याओं को लेकर सरकार जल्द निर्णय लेने जा रही है और प्रश्नों को इसी साल से लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए जरूरत हुई तो कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा अथवा कानून में बदलाव भी किया जा सकता है। बागवानी मंत्री जगत नेगी ने शिमला में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि सरकार बागवानी की समस्याओं के निवारण को लेकर गंभीर है और सरकार के प्रयासों को देखकर विरोधी घबरा रहे हैं, इसीलिए मुद्दा समाप्त नहीं होने दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि किसान बागवानों से हाल ही में बैठक की गई है जिनमें प्रदेश के 54 बागवानी संगठनों को बुलाया गया था। सरकार लगातार बागवानी से जुड़े समस्याओं पर बातचीत कर रही है और जल्द ही कुछ फैसले लेने जा रही है। उन्होंने बताया कि सेब बिक्री अथवा यूनिवर्सल कार्टन को लेकर जल्द निर्णय लिया जाएगा और इसी वर्ष से इसे लागू किया जाएगा। वहीं एपीएमसी एक्ट जैसे अन्य बागवानी हित के मुद्दों पर भी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। कि कुछ लोग जो है प्रेस के माध्यम से बागवानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद ये पहली सरकार है जिसने सत्ता संभालते ही बागवानों की सुध लेनी शुरू की है। इस दिशा में हमने जो है एक पहले बैठक जो है मैंने अपने अध्यक्षता में विभाग के अधिकारियों के साथ और उसमें बहुत सारे हमारे चुने हुए हमारे प्रतिनिधि जिसमें हमारे माननीय विधायकगण थे उनके साथ बैठकर बागवानी के बारे में जो विभाग के स्कीम है उसकी जानकारी भी हासिल की और जो समस्याएं हैं बागवानों के उसको भी जानने की कोशिश की और उसके तुरंत बाद जो है हमने एक बड़ी जो है जो बागवानों के साथ इंटरेक्शन का जो है प्रोग्राम रखा जिसमें हमारे बागवानी के जो हमारे मुख्य सचिव हैं और डायरेक्टर हैं और जितने अधिकारी हैं उनके सबके साथ जो है करीब करीब 54 बागवानों के जो अलग अलग संस्थाएं हैं उन लोगों ने उस गोष्ठी में कहिए उस विचार विमर्श में जो है भाग लिया और हमने उनकी सबकी जो है जो राय ली है, चाहे वो यूनिवर्सल कार्टन की बात है, चाहे वेट के हिसाब से फ्रूट्स को बेचने की बात है, चाहे एपीएमसी एक्ट को लागू करने की बात है, चाहे मेट्रोलॉजिकल जो एक्ट है उसको लागू करने की बात है और जो अन्य समस्याएं जो बागवानों के साथ जुड़ी हुई है उसके बारे में हमने विचार विमर्श किया। इतना करने के बाद हमने ये कहा कि उसके बाद हम एक अलग से जो है मंत्री लेवल पर जो है मेरे अध्यक्षता में एक मीटिंग हम जिसमें अधिकारी भी होंगे जिसमें हमारे चुने हुए कुछ बागवान भी होंगे और जनप्रतिनिधि भी होंगे उनके साथ हम इंटरेक्ट करके जो भी हमने जो सबके साथ विचार विमर्श करने के बाद जो बागवानों के हित में जो भी कार्य करने हैं वो करेंगे। परंतु ये देखने में आया है कि मुद्दा लगता है कि कुछ लोगों का मुद्दा समाप्त होने जा रहा है क्योंकि हमने ये फैसला कर लिया है कि हम जो है बागवानी के क्षेत्र में आज से पहले जो होता रहा कि यहाँ पर वेट के हिसाब से सेब या अन्य फल जो नहीं लिए जा रहे हैं हमने ये फैसला करना है और हम शीघ्र करने जा रहे हैं कि हम वेट के हिसाब से लेंगे या यूनिवर्सल कार्टन के हिसाब से आगे बढ़ेंगे, एपीएमसी एक्ट को लागू करेंगे और दूसरे जो भी एक्ट बागवानों के फायदे में बनाए गए हैं सबको लागू करने का हमने निर्णय लिया है। तो वो जो है उसकी जो है हमने प्रक्रिया शुरू भी कर दी है, लोगों से संवाद करना शुरू किया है। तो इनसे हम लोग घबराने वाले नहीं है। कुछ लोग अपनी दुकानदारी जो है लग रहा है उनको समाप्त होने जा रहा है क्योंकि अगर किसानों की समस्याएं खत्म हो जाएगी तो कई लोगों की दुकानदारी समाप्त होने वाली है। तो हम इन बातों से जो है पीछे नहीं होने वाले हैं। हम अपना जो हमने फैसला किया है कि हम बागवानों के हित में प्रदेश को आगे ले जाएंगे और जो भी जरूरत है चाहे कानून जो है वर्तमान में उसको सख्ती से लागू करना है चाहे कोई नया कानून भी बनाना पड़े बागवानों के हित में हम उसको करने जा रहे हैं, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जो भी हम फैसला करेंगे कानूनन करेंगे और इसी साल लागू करेंगे, इसी सीजन में लागू करेंगे। हिमाचल प्रेस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।